बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो फोटो कापियर है। तो मतलब जो ये इसमें एक एक्स्ट्रा भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, तो उसमें जो पहले है वो फोटो कापियर है, फोटो कॉपियर। अब इसका डिफिनेशन इस टर्म में है कि फोटो की मीन्स होता है मतलब इमेज, जो हमें पता है फोटो का मतलब वही है, फोटो का मतलब है फोटो हम। लेकिन यहाँ क्या लेंगे, हम पेज ले लेंगे, पेज जिस पर लिखा हो। और कॉपी का मतलब है क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब उस जैसा दूसरा। सही है, कॉपी का तो ये मतलब है और क्लोन मतलब है, और कॉपियर का मतलब क्लोनिंग। तो मतलब ये है कि अ मशीन विच कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पेज, सही, इजीली एंड इन लेस टाइम, जो टाइम भी बहुत ज़्यादा कम ले ले, और बहुत ज़्यादा फोटो कापीज भी बनाए, थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा फोटो कापीज बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटो कापियर। अब इस फोटो कापियर में मैं चाहता था कि एम्स किस पॉइंट थ्री को, लेकिन खैर ये भी कंसेप्चुअली ही पढ़ लेते हैं। सही है कि क्या क्या चीज़ होते हैं इसमें, ये यहाँ ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ वाले इस पॉइंट्स को एक पॉइंट्स में लिखे, लेकिन मैं डायग्रामेटिकल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब ये है कि पहले पॉइंट इसमें ये बनेगा कि नंबर वन पॉइंट वो ये बनेगा कि इसमें एक साइलेंडर होता है, इसका जो हार्ट होता है बुक में इस तरह की, इसका जो हार्ट होता है वो एक ड्रम होता है। इसे तो हम कहते हैं कि इट्स हार्ट इज अ ड्रम, लेकिन ये ड्रम स्पेशल ड्रम होता है, मतलब इसकी कंपोजिशन थोड़ी अलग होती है। किस तरह होती है वो दूसरे पॉइंट में लिखते हैं। इसे वो कहते हैं कि दिस इज अ एल्यूमिनियम साइलेंडर, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम साइलेंडर, साइलेंडर कोटेड विद विद सिलीनियम। अब ये जो दो चीजें यहां पर लिखी है ना, ये दो मेटल है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ये एक्सीलेंट कंडक्टर है। क्या है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट कंडक्टर, मतलब इसको हम अगर थोड़े इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये एक जगह से दूसरे सिरे में बहुत इजीली ट्रांसफर कर देता है। इसलिए और जो सिलीनियम है वो फोटो कंडक्टर है, फोटो कंडक्टर। उसमें ये प्रॉपर्टीज होती है ना कि जब लाइट होता है, जब लाइट होता है ये एक्ट एज कंडक्टर, और जब डार्क होता है मतलब वह रोशनी ना हो, लाइट ना हो, तो फिर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो अब इसकी कंपोजिशन में ये दो चीज़ क्यों आई है, ये आगे पढ़े भी मतलब पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर डायग्रामेटिकल ले लेते हैं। तो ये इस तरह का, पहले क्या होता है, जो हार्ट होते हैं वो एक ड्रम होते हैं इस तरह का, ये इस तरह, और उसकी ये जो बना होता है ना सारे का सारा, ये किस चीज़ से बना होता है, एल्यूमिनियम से, और इसके ऊपर कोटिंग की गई है किस चीज़ की, सिलीनियम की, जो कि फोटो कंडक्टर है। अब इस तरह का क्या होता है ना कि जो एक ये नंबर वन पॉइंट हुआ, से ये टू हुआ, अब तीन नंबर पॉइंट है कि दिस द ड्रम इज गिवन पॉजिटिव चार्ज बाय इलेक्ट्रोड कॉल्ड कोरोट्रॉन, कोरोट्रॉन उस इलेक्ट्रोड को कोरोट्रॉन कहते हैं, मतलब इससे हम एक कनेक्शन ले लेते हैं। सही है, इससे एक कनेक्शन ले लेते हैं और उसको एक पोटेंशियल ले देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इससे जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो निकल जाते हैं और इसके अंदर प्रोटॉन्स आ जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसकी जो जितनी भी ओवरऑल सरफेस है ना, इस पर कौन सा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता है। सही है, अब इस पर कोरोट्रॉन ने केवल ने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला और प्रोटॉन्स लाई, तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये साइलेंडर है ना, ये यहाँ पर अलग बना लेते हैं, ये जो सिलीनियम है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं ताकि हमें इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नजर आ जाए। सही है, अब ये इस पर जो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है कोरोट्रॉन की वजह से। सही है, अब बात ये ना कि जो ये मतलब ये ड्रम होता है ना, ये नीचे पड़ा रहता है, जो फोटोकॉपियर होता है ना, आप जो फोटोकॉपी करते हैं एक बड़ा सा मशीन वहाँ पर पड़ा होता है, वो ये वही फोटोकॉपियर है, जो कि एक लोकल फोटोकॉपियर हम जैसे कहते हैं। सही है,
अब सिलीनियम का भी आ गया कि जो मतलब इस सिलीनियम की जो सारी सरफेस है उसको हमने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया सी इस सिलेंडर को। अब क्या करते हैं कि जो फेज होते हैं वो ऊपर रखते थे ना, एक गिलास होते हैं, क्या होते हैं, एक गिलास होते हैं इस तरह, गिलास होते हैं वो ऊपर से इस तरह का एक ढकना उठा देते हैं, यहाँ पर गिलास होते हैं, सही है। अब जब गिलास होता है यहाँ पर, तो इस गिलास पर वो क्या रख देता है, पेच रख लेता है। ये क्या है, ये हुई पेच है जिस पर उसने रखा। अब फिर वो क्या करते हैं, उस जो मतलब उसके ऊपर जो ढकना होता है ना उसको इस तरह बंद करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी यहाँ पर क्या होते हैं, लाइट्स होते हैं, तो वो लाइट्स क्या करते हैं इस पेच से पास हो जाती है, सही है। और अगर आप लोगों को पता हो कभी कभी वो उस पेज के साइड से एक मतलब एक रूलर रख लेता है या एक कॉपी वगैरह रख लेता है, वो क्यों रख लेता है, क्योंकि पेज छोटा होता है वो मिरर बड़ा होते हैं, मतलब अब जिस जो मिरर जहां से लाइट पास होते हैं वो इतनी सारी जगह होते हैं, बाकी जगह वो ओपेक होता है, क्या होता है, ओपेक होता है। तो अब अगर ये जगह रखता है तो यहाँ पर वो भी एक ऐसा चीज रखेगा जिससे लाइट पास ना हो, सही। अब जब इससे वो ढकना इस पर रखा गया, उसने इस पेज पर इस जगह पर लाइट हुआ तो ये इस पेज पर भी लग गया और पास हो गया, यहाँ नीचे क्या रहता है उसकी ड्रम, ये इस तरह का सिचुएशन रहता है, ये पहले उसका ढकना होता है, उसके नीचे ये ग्लास होता है और उसके नीचे इस तरह ड्रम होता है, सही है। मतलब अगर हम ऐसे करें तो ये वो ढकना हो गया, सही है, ये इसके ऊपर ग्लास हो गया और ये नीचे ड्रम हो गया, सही है। यहाँ पर पेज रखते हैं, यहाँ से लाइट पास होता है, यहाँ पर ये ड्रम होते हैं। अब ये जो ड्रम होते हैं ना, ये मतलब मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, ये इस तरह रोटेट करता है, जिसकी वजह से सारा ड्रम इस तरह घूमता है, रोटेशन करता है। अब जब इससे लाइट पास हो जाए तो क्या हो जाता है, जो चौथा पॉइंट है, जब इससे लाइट पास हो जाए तो सिलीनियम कहता है फोटो कंडक्टर, सो सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सिलीनियम इट लूजेस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों लूज करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिलीनियम क्या है, फोटो कंडक्टर, जब लाइट पास हो जाता है ये कंडक्शन का अमल स्टार्ट कर लेता है और ये अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो लूज कर देता है, लेकिन जिस जगह पर लाइट नहीं लगा वो उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज रिटेन हो जाएगा, वो कैसे। अब ये जो पेज है ना, बुक में भी थ्री लिखे हैं, मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ, उस पर लेट सपोज थ्री है, मैं इसकी फोटो कॉपी करता हूँ। अब ये जो पेज पर ये जो थ्री होता है ना, ये जगह भी ओपेक होता है ना, मतलब ये तो भी एक ब्लैक इंक से लिखा होता है, तो इस जगह से भी लाइट पास नहीं होती और बाकी जितना सफेद जगह होते हैं उससे लाइट पास हो जाती है, तो क्या होता है कि सारे के सारे ड्रम से लाइट जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो थ्री है उसकी वो जगह रह जाते हैं। मतलब ये हो जाता है कि मैं यहाँ पर दोबारा ये ड्रम ड्रा कर देता हूँ, नहीं दोबारा पर, तो अब क्या होगा कि सारे जगह जो था व्हाइट था, जो उपेक था वो थ्री था, तो वो इस तरह के है, एक थ्री के फॉर्म, सही है, इस तरह एक थ्री वाला ये जो है ना, इस तरह मैंने किया, अब आप लोगों को सही नजर आ जाए, सिर्फ ये इस जगह पर पॉजिटिव रिटेन हुआ, क्यों, क्योंकि इस जगह पर लाइट अभी नहीं लगी है, क्योंकि वहां जो थ्री था वो उपेक था, जिस पेज पर लिखा है तो वो उपेक फॉर्म में होते हैं और बाकी से जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाते हैं, वो फिर से निगलेट हो जाते हैं, अब न्यूट्रल हो जाते हैं। सर अब ये लगा ये ड्रम, अब ये जो लाइट होता है ना ये इस ड्रम पर फोकस किस तरह करते हैं, तो यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, क्या होता है, लेंस। अब ये लेंस जो होता है ना, ये जो ऊपर से जितने भी लाइट आते हैं वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस फिनोमेना, और जब इससे पास हो जाते हैं वो इस ड्रम पर फेंक देता है, सही है। तो इसका मेन मकसद क्या होता है इस लेंस का, कि ये जो लाइट है ये इर्द गिर्द ना जाए और ये लाइट जो है ये एक जो व्हाइट पार्ट्स थी उस पर इंटेंसिटी के साथ फोकस करे, ताकि कोई दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज ना रहे। अगर ये लेंस काम ना करे इसी तरह, तो फिर क्या होता है, वो जो फोटोकॉपी निकलते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उसके इर्द गिर्द भी वो ब्लैक ब्लैक मटेरियल हो जाती है, उसका मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं होती उस फोटोकॉपी का, तो इसी वजह उसकी वजह ये इस लेंस में खराबी होती है, इस पर गिर्द पड़ा होता है, तो इसलिए वो जो फोटोकॉपी और मशीन का जो वो बंदा होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, उसके साथ रुमाल होता है या कोई और कपड़ा होता है, वो खोल कर सब चीज़ों को साफ कर देता है, वो इस लेंस की सफाई करता है। अब यहाँ तक हम आ गए, अब जो अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि लाइट ने तो इससे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, सही है। अब दूसरा है कि जो डॉक्यूमेंट था वो द राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन पेज इज प्रिंटेड लिखेंगे इस तरह के, या लिखेंगे कि फॉर्म ऑन ड्रम इज पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर क्या है गया, इस पॉजिटिव चार्ज वो रह गया। अब जो छठा पॉइंट है वो है टोनर, टोनर टोनर कहते हैं वो इंक जो पाउडर फॉर्म में हो, इंक इन पाउडर फॉर्म, उनके साथ जो इंक होता है ना, वो आप लोगों ने याद देखा होगा शायद या नहीं देखा होगा, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, इस तरह होते हैं जिस तरह सुरमा होता है, सही है। अब ये जो मतलब टोनर है ना, ये हाईली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज,
जो, तो फिर क्या होता है जो सेवन पॉइंट हम लिखेंगे कि वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो जब आप इसकी तरफ स्प्रे करेंगे तो जो दूसरी जगह है उस पर अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक्सेप्ट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए द पेपर पेपर विद वो द पेपर नहीं सॉरी द ड्रम प्लेसेस दैट हैव रिटेन्ड पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट निगेटिव चार्ज चार्ज टोनर। अब क्या हो जाएगा कि ये जो जो ब्लैक टोनर होता है वो क्या होगा इस ड्रम पर अट्रैक्ट हो जाएगी इस तरह बहुत ज्यादा, और जहां पर निगेटिव हो वहां पर अट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ इस जगह पर अट्रैक्ट हो जाएगा। सही, अब यहां तक हम आ गए। अब क्या हो जाता है कि ये जो मतलब पेपर होते हैं ना उस वो भी, अब ये हमने पढ़ा कि तो पॉजिटिव चार्ज के साथ निगेटिव अट्रैक्ट हो गया, अब जो पेपर होता है ना वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होगी लेकिन वो मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को कि जो पेपर होता है ना पेपर एट नंबर पॉइंट द पेपर इज हाईली हाईली पॉजिटिव चार्ज्ड चार्ज। वो जो पेपर होते हैं वो बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और वो हाईली पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होते हैं, वो हीट की वजह से होते हैं। सही है, और चार्ज सो दैट विच कैन अट्रैक्ट निगेटिव टोनर। अब दो चीजें थी, एक तो उस ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज था, सही है, ये उस ड्रम है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज था ना, इस जो चौथरी के फॉर्म में था क्या था उस पर भी पॉजिटिव चार्ज था, और उस पर ऊपर क्या था निगेटिव टोनर था। लेकिन यहाँ पर जो पेज होता है ना, अब जो हम डाल लेते हैं वो पेज क्या करता है, वो इस जो पेपर है इस पर इस तरह रोल करता है, ये पेज है लेट से, ये क्या है पेज है, और ये पेज इस तरीके ऊपर आ गया, लेकिन ये हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये दो, एक बंदा यहाँ होता है एक बंदा यहाँ होता है, सही है, और इसकी बीच में एक एप्पल लगा होता है, मतलब एक एप्पल है ये, इन दोनों को पसंद है, लेकिन ये जो बंदा होता है ना इस इसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये ताकतवर है और ये इतना नहीं है, तो जाहिर बात है ये इससे एप्पल खींच खींच सकते हैं ना। तो इस तरह का यहाँ है, ये जो ड्रम होता है ये भी इसमें ये तीन वाला ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन ये जो पेपर है ना ये बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये इतना ज्यादा हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि ये ड्रम से होने के टोटोन अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये पेज इस तरह नीचे आ जाएगा, रोल होगा और इस तरफ आ जाएगी इस तरफ। तो जब नीचे आ जाएगी इस पर वो तीन बना होगा, सही है, तो ये अब इस पेज पर लेट से वो तीन बना है। तो फिर अगला पॉइंट क्या होगा कि नाइन नंबर नाइन कि वो द पेपर इज पास्ड थ्रू हीटिंग रोलर्स। अब ये जो पेपर होता है वो हीटिंग रोलर्स के बीच में पास कर देता है, वो मैं डायग्रामेटिकली शो करूंगा, लेकिन पहले ये पढ़ते हैं ड्यू टू विच ये बहुत ही हीट अप होते हैं ना, ड्यू टू विच टोनर मेल्ट्स एंड गिव स्ट्रॉन्ग ग्रिप टू पेपर। अब वो पाउडर पम्प में था ना यहाँ तक, अब इस तरह कहते हैं ना कि यहाँ पर दो रोलर्स लगे होते हैं, मतलब मैं पहले ये रोलर रखा, ये एक रोलर है ये दूसरा रोलर है, सही है, और ये रोलर किस तरह होते हैं इस तरह चिपके हुए होते हैं जिस तरह ये दोनों हैं, और ये इस तरह रोटेट करते हैं। ये जो पेपर होता है वो बहुत थिन होता है, ये इन दोनों के बीच में आ जाता है, सही है। अब इन दोनों के बीच में जब ये इसका थोड़ा हिस्सा आ जाएगा तो ये इस तरफ रोटेट करेंगे, तो जब इस तरफ रोटेट करेंगे तो खुद बाकी का पेपर जो है ना वो खुद अपने अंदर ले लेगा इस तरह की। मैं आपको शो करता हूँ, ये जो पेपर है ना ये इस तरफ जाएगा जाएगा, लेकिन ये जो दो रूलर होगी ना इनके बीच में इसका थोड़ा सा हिस्सा आ जाएगा ना, तो ये फिर ये रूलर इस तरफ घूमते हैं इस तरह है, तो ये जो पेपर होगा वो खुद ब खुद इसके अंदर जाएगा क्योंकि इसकी रूलिंग का डायरेक्शन ऐसा होता है। तो ये जो पेपर आता है ना ये इन दोनों रूलर के दरमियान में आ जाता है और फिर यहाँ से इस तरह पास हो जाते हैं। मैंने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो किया बढ़ गया ना, लेकिन इस तरह ये वो थ्री है, सही, तो ये इससे पास हो जाता है, मतलब ये अगर एक रूलर करें ये दूसरा करें, तो ये इस इन दोनों रूलर्स के दरमियान जब पास हो जाएगा तो ये जो थ्री था ये इस पर क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा। तो जब बाहर पेपर आते हैं वो भी बहुत हीट होते हैं, वो क्यों हीट होता है क्योंकि उस पर ये हीटिंग रोलर के दरमियान वो पास हो जाता है, तो जब वो हीटिंग रोलर के दरमियान पास हो जाएगा तो वो हीट अप भी होगा और उस पर ये चीज़ जो है। हाँ, अब अगर यहाँ तक जो हीटिंग रोलर के दरमियान पास नहीं होगा, अगर हम इस पेज को पर इस तरह उंगली रख लेते हैं तो उसका जो जो इंक था वो हमारी
उंगली पर लगेगा, क्योंकि ये जो है ना ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से चिपका रहता है लेकिन ये उस पर मेल्ट नहीं होता है। जब इससे पास हो जाए फिर हम इस तरह करेंगे लेकिन वो हमारे हाथ पर नहीं आएगा क्योंकि वो फिर मेल्ट हो जाएगा और उसके साथ फिक्स हो जाएगा। तो ये था क्या था, ये पहले तो इस तरह करेंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज भी करता हूँ। ये फोटोकॉपी का क्या हुआ डिफिनेशन, डिफिनेशन का तो फोटोकॉपी का डिफिनेशन किस तरह की, दो टर्म से बने, एक है फोटो जिसका मतलब है एक इमेज, हम पेज ले लेंगे ना, दूसरा है कॉपी और मीन्स क्लोनिंग, जो मतलब उस जो पेज हो उस जैसा बनाए, मतलब अगर हम क्लोनिंग उसे कहते हैं बायोलॉजी में, इसे कहते हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म की तरह वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाए, यहाँ पर किस तरह कहते हैं कि जो फोटो हो उसके दूसरा कॉपी बनाए। अब यहाँ पर लिखे अ मशीन विच कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पेज ईजिली एंड इन लेस टाइम, सही है, बहुत लेस टाइम में बना सकते हैं। अब क्या थे यहाँ पर क्या हेडिंग देंगे, प्रिंसिपल, इसकी प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर लिखे या प्रिंसिपल एंड फंक्शन लिखे। इट हैज हार्ट विच इज ड्रम, अब ड्रम दो चीजों से बना था, एक था एल्यूमिनियम एक था सिलीनियम, जो एल्यूमिनियम था उससे उसका सारा बॉडी बना था और वो था एक्सीलेंट कंडक्टर, जो सिलीनियम था उस पर जो एल्यूमिनियम से जो सिलेंडर बना था उस पर सिलीनियम की कोटिंग थी, तो वो लाइट में कंडक्टर होता है और डार्क में इंसुलेटर होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फोटो कंडक्टर। अब जो ड्रम हो उसको हमने एक इलेक्ट्रोड से अटैच किया और इसको एक ऐसा वोल्टेज दे दिया कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलवा दे, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कोरोट्रॉन, सही है। अब यहाँ तक हो गया, फिर हमने क्या बोला कि अब ये इसके ऊपर हम लाइट लगा लेते हैं, ऊपर से जब पेज रखा होता है तो इससे लाइट जब पास हो जाते हैं वो नीचे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं वो लाइट इस पर रख देते हैं, तो जिस जगह पर लिखे होते हैं वो ओपेक रहता है, उससे लाइट पास नहीं हो जाता, बाकी से लाइट पास हो जाते हैं, जो सिलीनियम तो वो जब उस पर लाइट लगते हैं तो कंडक्टर बन जाते हैं, वो अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देते हैं, एक्सेप्ट वो जगह जहाँ पर वो लिखा ही हो उस जगह से तो लाइट पास नहीं हुआ होता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रिटेन हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, जो मतलब पॉजिटिव चार्ज से इस ड्रम पर वो लिखाई प्रिंट हो जाती है, फिर एक पाउडर पम्प में इंक होता है जिसको कहते हैं टोनर, और ये बहुत निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये क्या होता है जी, अब स्प्रे हो जाता है तो ये वो जो जगह पॉजिटिव होते हैं उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाकी पर अट्रैक्ट नहीं होता। फिर आगे क्या होता है कि हम एक पेपर ले लेते हैं, जो पेपर होते हैं ये ड्रम रोलोर करते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो पेपर जो होते हैं ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि वो इससे जो निगेटिव टोनर है वो इस ड्रम से खींच लेता है, जब इससे खींच लेते हैं फिर वो रोटेटिंग रोलिंग रॉड्स के दरमियान पास कर देते हैं, सही है, हीटिंग रोलर्स के दरमियान जब पास कर देते हैं उस पर वो टोनर मिल जाते हैं और वो उसका परमानेंट इमेज उस पेपर पर बन जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इस सारी मशीन को फोटोकॉपियर मशीन कहते हैं। लेकिन अब एमसीक्यू पॉइंट्स, नंबर फर्स्ट, एल्यूमिनियम इज एक्सीलेंट कंडक्टर, सिलीनियम इज फोटो कंडक्टर, बॉडी किस चीज से बना है, एल्यूमिनियम से, कोटिंग किस चीज की हुई है, सिलीनियम की हुई है, ड्रम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब लाइट पास किया जाता है तो कौन सा हिस्सा ड्रम के कंडक्टिंग हो जाता है, वो जगह जिस पर लिखाई हो उसके अलावा कौन सा जगह जो होते हैं वो चार्ज रिटेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर राइटिंग हो। अब जो इंक होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में, उस पर चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब निगेटिव पॉजिटिव ड्रम पर अटैच होगा, अब जो पेपर है वो उस पर कौन सा चार्ज होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज, याद रखना ड्रम पर पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे लेकिन यहाँ पर हाईली पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, सही है। अब जो है ना जब हीटिंग रोलर के दरमियान क्यू पास किया जाता है ताकि टोनर उस पर मेल्ट हो जाए और वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप दे दे, तो ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट है, अगर वो इसको मेंशन करे तो इन पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट्स नहीं उठा सकता। तो अब इससे आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले लें या और दूसरे से इस तरह।